सबसे पहले मैं लोक देवता बाबा रामदेव को, लोक देवता तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। आज जल जुलनी एकादशी का पवित्र दिन भी है। यहां सभा स्थल पर ही भगवान बजरंग बली भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लाखों लोगों की आस्था में ये आस्था के केंद्र गोनेर में स्थित लक्ष्मी जगदीश महाराज के मंदिर को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है। ये हमारे श्रद्धेय भैरोसिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है, उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। मैं राजस्थान के हर भाजपा कार्यकर्ताओं को और राजस्थान की जनता जनार्दन को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज मैं जयपुर ऐसे समय में आया हूं जब देश का गौरव नए आसमान पर है। आज पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य की वाहवाही हो रही है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। G20 में भारत की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है, परेशान है। भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन अपनी नए संसद भवन से कामकाज शुरू किया है।
और नई इमारत में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने हमारी माताओं बहनों बेटियों को ही समर्पित किया है। अनेक दशकों से हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, किसने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। आज आपकी ये गारंटी मैंने पूरी कर दी है। मैं राजस्थान अनेकों बार आया हूं, मैं कह सकता हूं अनगिनत बार आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आकर के आशीर्वाद दे, ये अपने आप में मैं आप सब माताओं का इतने आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जब अंदर आ रहा था तब मैंने देखा जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर है। साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है, गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वहां मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब पेंडोल में कहीं जगह नहीं है, कृपा करके वहीं रुक जाइए। आप जहां हैं वहीं रुकिए। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे परिवारजनों, आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने
वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करे। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे, जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है।
मेरे परिवारजनों, राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। यहां के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल से लेकर राणा सांगा, राणा कुंभा तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर गोविंद गुरु तक, मीराबाई पन्नाधाय, रानी पद्मिनी से लेकर अमृता देवी, कालीबाई, कर्माबाई तक, ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे, कुछ वोटों के लिए तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। और मैं जानता हूं, राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में गमंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के अलग अलग राज्यों में औद्योगिक विकास नई ऊंचाई पर है। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टिकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय
उन पर मेहरबान हो। जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? इसलिए आज राजस्थान की पस्त कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भुक्तभोगी हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं। जो सरकार बहनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती, उस सरकार का जाना तय है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की ये भूमि वचन की मर्यादा रखने वाली भूमि है, लेकिन कांग्रेस की आदत झूठ बोलकर भूल जाने की है। राजस्थान के किसानों को तो अच्छे से याद है, कांग्रेस ने 5 साल पहले जो वचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे, उनका क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। आज औने पौने भाव पर किसानों को बाजरा बेचना पड़ रहा है, किसानों को स्थिति में ला दिया है। एकमात्र जिम्मेवार है कांग्रेस और गहलोत सरकार जिम्मेवार है। लेकिन मैं किसान भाइयों बहनों को कहूंगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। किसानों की चिंता करने वाली भाजपा सरकार जल्द ही आने वाली है। साथियों, भाजपा कदम कदम पर किसानों और पशुपालकों के साथ खड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को मिल चुके हैं। आप भी जानते हैं कि दुनिया में खाद की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है। कई देशों में खाद की बोरी 3000 रुपए तक भी मिल रही है, लेकिन भारत में भाजपा सरकार वही खाद की बोरी सिर्फ 300 रुपए से भी कम कीमत में उपलब्ध करा रही है। साथियों, भाजपा सरकार ने अपने कारीगरों, अपने शिल्पकारों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इन साथियों की सुध नहीं ली, लेकिन आज हमारे दर्जी भाई बहन, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन, जूता बनाने वाले भाई बहन, हमारे कुम्हार भाई बहन, सुनार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, मालाकार, ऐसे अनेक काम से जुड़े साथियों के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं। इस विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण सरकार देगी। यही नहीं, इन्हें लाखों रुपए का कम ब्याज वाला ऋण भी मिलेगा। ये योजना राजस्थान के लाखों विश्वकर्मा परिवारों का जीवन बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध होगी। साथियों, मोदी हवाई हवाई बातें नहीं करता, क्योंकि मोदी के पांव पूरी मजबूती से जमीन पर ही रहते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमने सामान्य से सामान्य लोगों की छोटी छोटी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। एक तरफ हम
स्वनिधि योजना से रेहड़ी ठेले पटरी वालों को मदद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को भारत आमंत्रित कर रहे हैं। आज हम मुद्रा योजना से करोड़ों छोटे छोटे उद्यमियों, महिला उद्यमियों, दलित पिछड़े समाज के साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेती से जुड़े उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा विकास सर्वस्पर्शी भी है, हर वर्ग को लाभ हो रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीब एससी एसटी ओबीसी सभी को लाभ हुआ है। साथियों, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चला रहे हैं, राजस्थान इसका बड़ा लाभार्थी है। राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में कांग्रेस ने सुविधाओं का निर्माण नहीं किया। कांग्रेस वाले तो कहते थे कि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे दुश्मन को अंदर आने का आसानी हो जाएगी। कांग्रेस की इस नीति का हमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार आज सीमावर्ती गांवों का विकास कर रही है। हमारी सरकार वहां ऐसी सुविधाएं बना रही है जिससे बॉर्डर के किनारे बसे गांवों का भी तेज विकास हो, वहां टूरिज्म के अवसर बढ़े। साथियों, भाजपा सरकार की प्राथमिकता गरीबों का, मध्यम वर्ग का स्वास्थ्य भी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इसका लाभ राजस्थान को भी हुआ है। बीते वर्षों में राजस्थान में अनेक नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है। इसमें बहुत सारे कॉलेज राजस्थान के लिए भी स्वीकृत हुए हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त गैस कनेक्शन, ये गरीब परिवारों को, दलित पिछड़े आदिवासी परिवारों को गरिमा का जीवन देते हैं। अगर हमने राजस्थान के लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है तो मध्यम वर्ग के परिवारों को भी घर बनाने के लिए मदद की है। देश भर में मिडिल क्लास परिवारों को ब्याज सब्सिडी के रूप में करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ईश्वर लाल किले से मैंने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक और घोषणा भी की है, जो साथी शहरों में किराए पर रहते हैं वे अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको याद होगा, साल 2014 तक देश में 2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लग जाता था, आज 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को हुआ है। हर साल कम से कम 50,000 रुपए की बचत तो इनकम टैक्स से हो रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो 3G नेटवर्क का फोन बिल भी भारी भरकम आता था। आज तो 5G चलने लगा है, तो मोबाइल फोन रखना ही असंभव था। आज परिवार के करीब करीब हर सदस्य के पास फोन है। ऐसे में 2014 की तुलना में हर परिवार को हर महीने हजारों रुपए की बचत हो रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा राजस्थान को देश के एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बीते 9 वर्षों में राजस्थान में हर प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है। आज राजस्थान दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काम को हम बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, ये भारत के लिए अवसरों का समय है, ये राजस्थान के लिए भी अवसरों का समय है। अगर भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है तो इसका लाभ राजस्थान को भी मिलता है। राजस्थान में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इन अवसरों को गंवा दे। आने वाले कुछ सालों में ही भारत दुनिया में टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा, टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसके लिए राजस्थान को भी देश के अग्रणी राज्यों में लाना होगा। ये तभी होगा जब जयपुर में भी कमल खिलेगा, जब राजस्थान में विकास का डबल इंजन लगेगा। इसलिए आपको भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनानी है। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है। इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।